असलकुम अच्छा आज पढ़ेंगे नी ज्वाइंट के बारे में कि नी ज्वाइंट कैसे बनता है कौन कौन से इसकी फ़ीचर्स हैं ओवरऑल उसकी बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो नी ज्वाइंट्स को हम पढ़ेंगे नी ज्वाइंट को हम पढ़ेंगे जिन जिन हेडिंग्स के अंदर उनकी बात करते हैं ठीक है नंबर वन इसके पढ़ेंगे हम फीचर्स मतलब इसकी मोटी मोटी बातें कि क्या क्या है इसमें ठीक है फीचर्स पढ़ेंगे सेकेंडली इसकी टाइप पढ़ेंगे ज्वाइंट के टाइप मतलब कौन से ज्वाइंट में आता है ठीक है फिर पढ़ेंगे हम इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस आर्टिकुलेटिंग सर्फेस के बाद इसकी बात करेंगे लेगामेंट्स की ठीक हो गया लेगामेंट्स के बाद इसके बरसा या बुरसा की बरसा भी पढ़ते हैं बुरसा भी पढ़ते हैं जो आपको पढ़े मतलब अच्छा लगे ठीक है बरसा के बाद इसकी पढ़ेंगे हम रिलेशंस रिलेशंस के बाद इसकी पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई फिर है इसकी नर्व सप्लाई फिर इसमें आपका आता है मतलब लास्ट क्लिनिकल्स ठीक है मतलब ये टोटल मेरे ख्याल में नौ दस पॉइंट हो जाते हैं तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ पॉइंट ठीक है इन नौ पॉइंट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे ओवरऑल नी ज्वाइंट को कवर करेंगे याद रखना नी ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स की भी बात करें तो इनमें से लिगामेंट लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत फिर बुरसाज इंतहा इंपॉर्टेंट है फिर इसकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ये भी बता दूं कि लिगामेंट्स के नाम तो इसमें इस वीडियो में आ जाएगा आपको पता भी चलेगा लेकिन लिगामेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनती है मतलब ये टॉपिक इतना लेंथी है इसके लिए एक अलग वीडियो आती है जस्ट इस नाम से कि लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट्स उसका एक अलग वीडियो बनता है सेपरेट ठीक है तो उस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले ओवरऑल इसकी बात करेंगे तो शुरू करते हैं फीचर्स से ठीक है थीके? के फीचर्स क्या क्या हैं इसके तो पॉइंट वन में यहां से शुरू कर रहा हूं फीचर्स फीचर्स क्या क्या हैं इसके ठीक है फीचर्स में सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ज्वाइंट है ये ठीक है लॉन्गेस्ट ज्वाइंट लॉन्गेस्ट ज्वाइंट है ये ठीक है सेकेंडली इट इज कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट जो है ये कॉम्प्लेक्स है मतलब ज्यादा ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इंसान भूल जाता है ठीक है मोस्ट अथेंटिक है ठीक हो गया इसके अलावा ये ज्वाइंट बनता है ठीक है इट इज फॉर्म्ड ठीक है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ तीन बोन्स यानी थ्री बोन्स की फ्यूजन की वजह से ये ज्वाइंट बनता है वो तीन बोन्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इसमें लाजमी बात है नी ज्वाइंट है ऊपर से क्या आ, बोन आ, आ रहा है आ आ रहा रहा है, है? है। ठीक सेकेंड इसमें टिबिया है ठीक है फीमर टिबिया थर्ड वन क्या है फेबूला नहीं है पेटेला है इसमें ठीक है बाज फेबूला भी लिखते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पेटेला, ठीक है आप साथ में फेबूला भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर रोल ज्यादा क्या है पेटेला का है ठीक है पटेला बोन जो है वो इसका रोल आ जाता है कैसे फिर आप यहाँ पर लास्ट में डायग्राम बनाएंगे तब आपको सही समझ आएगी ये तो हो गया इसकी फीचर्स की बात लेकिन एक बात और है फीचर्स में शायद आपकी बुक में भी हो वो उसको मैं यहां से क्लियर करना चाहता हूं ये तीन बोन्स जो है ना ये तीन बोन्स तीन ज्वाइंट बनाते हैं उन तीनों ज्वाइंट को एक साथ मिला के नी ज्वाइंट बोलते हैं दोबारा सुनना ये तीन बोन्स तीन ज्वाइंट बनाते हैं ठीक है और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं नी ज्वाइंट अब कैसे नंबर वन जो पहला ज्वाइंट है ठीक है इसको बोलते हैं लेट्रल फीमोरल मैं लिख देता हूं नाम लेट्रल फीमरो फीमोरो टिबियल ज्वाइंट यानी फीमरल और फीमर बोन और टिबिया के लेटरली जो ज्वाइंट बनता है ठीक है उसको लेटरो लेटे फीमर, लेटरल फीमोरो टिबियल ज्वाइंट बोलते हैं नंबर टू मिडियल फीमोरो टिबियल मिडियल फीमोरो टिबियल ज्वाइंट यानी फीमर बोन और टिबिया की मीडियली जो ज्वाइंट बनता है उसको बोलते हैं ठीक है थर्ड वन थर्ड वन को बोलते हैं फीमोरो पैटेलर ठीक है यानी फीमर बोन और फीमरो पैटेलर यानी फीमर बोन और पैटेला के दरमियान जो बोन जो ज्वाइंट बनता है उसको पेटेलर बोन बोलते हैं इन तीनों को मिला के इन तीनों की फ्यूजन को मिला के ही क्या बोलते हैं नी ज्वाइंट बोलते हैं ठीक है इन तीनों की फ्यूजन को मिला के ही नी ज्वाइंट बोलते हैं इस बात को समझ आ गई होगी आपको पॉइंट पॉइंट क्या था इसके टाइप इसकी टाइप जो है इसकी टाइप को बोलते हैं कुंडाइलर सैनोवियल ज्वाइंट कुंडाइलर क्यों बोलते हैं कुंड मैं नाम लिख देता हूं फिर समझाता हूं कुंडाइलर साइनोवियल ठीक है कुंडाइलर सेनोवियल जॉइंट कुंडाइलर का मतलब ये है कि जो कुंडाइल होते हैं ना फीमर के और वही कुंडाइल टू कुंडाइल ए फीमर है ठीक है ये फीमर है ये टिबिया है ठीक है इनके कुंडाइल्स आप में आपस में मिलेंगे ठीक है इनके कुंडाइल्स मिलेंगे तभी तो जितन, उसी की वजह से इसको कुंडाइलर सैनोवियल ज्वाइंट बोल रहे हैं ठीक है ये पॉइंट भी समझ आ गई आपको अब पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री है आर्टिकुलेटिंग सर्फेस आर्टी सर्फेसूलेटिंग सर्फेस में क्या है वही बात आ जाती है ना कि भाई ऊपर से आ रहा है क्या फीमर नीचे क्या है टिबिया और फेमूला है तो टिबिया और फेमूला की कुंडल जो है ना टिबिया और फीमर उसके कुंडाइल जो है वही उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसको मैं लिखूंगा फिर से ही समझ आएगी ठीक है लिख लेते हैं ठीक है आर्टिकुलेटिंग सर्विस में सबसे पहले तो ये पता चलेगा ना कि कौन कौन से बोन्स मिल रहे हैं उनके नाम लिख देते हैं ठीक है तीन बोन है पहले ही बताया था एक फीमर है ठीक है सेकंड क्या है टिबिया है और थर्ड क्या है पैटेला है ये तो हमें पता चला कि ये इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब इन्हीं से आएगा ठीक है अब हम ये देखेंगे कि फीमर से क्या आ रहा है फीमर से फीमर के जो है कुंडा कोंडाइल्स जो है लेटल कोंडाइल मीडियल कुंडाइल वो आएंगे वो किससे करेंगे कनेक्शन वो कनेक्शन बनाएंगे यानी मिल जाएंगे टिबियलर कंडाइल के साथ ठीक है ऊपर भी और मतलब मत, मैं डिस्कस कर लेता हूँ बता देता हूँ क्या होगा कि उसमें क्या होता है कंडाइल्स ऑफ कोंडाइल्स ऑफ फ्यूमर या फीमर आर्टिक्यूलेट थ कंडाइल ऑफ टिबिया लाजमी बात है ना ये फीमर आ रहा है ठीक है ऊपर से फीमर आ रहा है फीमर के दो कुंडाइल्स हैं नीचे क्या है टीबिया है टिबिया के भी कोंडाइल्स है यह आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हो गए ना बस यही तो मैं कह रहा हूं ठीक है ये इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हो गए इसके साथ मिल गए और क्या होगा एक पॉइंट इसमें ये भी आ जाता है कि टीबिया और फीमर के फीमर जो है इसके कोंडाइल मिल गए और ये कहां मिलेंगे टीबिया के ये इसको बिलो ठीक है यानी इसको पीछे से भी और साइड से भी कवर करेंगे ठीक है इसके अलावा इंटीरियरली यानी सामने सामने क्या कवर करेगा इसको सामने सामने इसको कवर करेगा पैटेला फिर दोबारा सुन लेना आर्टिकुलेटिंग सरफेस में सिर्फ दो बातें हैं ऊपर के कोंडाइल नीचे के कोंडाइल फेमर के कोंडाइल और टिबियल कोंडाइल ये दोनों यहां पर मिल गए ये इसके पीछे से भी इसको कवर करेंगे इसको साइड से भी कवर करेंगे इंटीरियरली कौन कवर करेगा इंटीरियरली इसको पटेला कवर करेगा ठीक है पटेला जो बोन हमने पढ़ा था ये इसको कवर करेगा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है अब आता है पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर पे क्या था इसके लिगामेंट्स। और इसके लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो इस वीडियो में उसके नाम लिखेंगे ठीक है एक ऐसा सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह उस पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगी लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट्स की कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं इसके लिए लेकिन इन लिगामेंट्स को भी याद रखने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक थोड़ा आपको ना एक हिंट मिल जाए कि इसको याद कैसे किया जाता है ठीक है एफ एल टी एफ ओ ए पी एम एल टी अब कोशिश करो इससे एक निमोनिक बना लो अब मैं क्या बनाता हूँ ठीक है मतलब हर स्टूडेंट अपना बना सकता है आप इसको यहाँ तक छोड़ दो जो मैंने सर्कल किया ना यानी कि अंडरलाइन के इसको छोड़ दो ओ आप में लार्ज टीथ <laughs> मतलब खुद भी आप कुछ भी बना सकते हो ठीक है ये किसी शख्स का नाम रखो एफ एल टी ठीक है एफ एल टी एफ ये कोई भी कंपनी का नाम रख सकते हो किसी बंदे का नाम रख सकते हो इतना ओ आप में लार्ज टीथ या लॉन्ग टीथ कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो कहने का मतलब यह है कि ये एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह लेगामेंट्स हैं हर एक लेगामेंट्स इन इन अल्फाबेट से शुरू होगा ठीक है अब देखते हैं कैसे नंबर वन नंबर वन एफ से है तो इसका मतलब फाइब्रस कैप्सूल फाइब्रस कैप्सूल ठीक है नंबर टू नंबर टू किससे शुरू शुरू हो रहा है ठीक है नंबर शुरू एल से शुरू हो रहा है ठीक है एल से शुरू हो रहा है तो हम भी एल से शुरू करेंगे यहाँ से लिगामेंटम लिगामेंटम ऑफ पटेला ठीक है लेगा लेगामेंटम्स ऑफ पटेला नंबर थ्री टी से शुरू हो रहा है ठीक है हम भी ऐसा लिखेंगे जो टी से शुरू होता हो टीबीएल कोलेट्रल लेगामेंट्स ठीक है टीबीएल कोलेट्रल इनको मीडियल है, है? आप जस्ट याद रखने के लिए और ये सारी याद नहीं हो सकती है अभी से बता रहा हूं ठीक है इनके लिए सेपरेट वीडियो आएगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेगा किस साइड पे है बाकी आप इनमें से पांच छह याद कर लें इनफ होगा कोई इतनी झंझट वाली बात इसमें नहीं आता ठीक है नंबर फोर फेबुलर लिगामेंट ठीक है फेबुलर फेबुलर लेगामेंट नंबर फाइव ना ओब्लिक पोप्लिटियल लेगामेंट ऑब्लिक पोप्लिटियल लेगामेंट ठीक है एल मतलब लेगामेंट नंबर सिक्स नंबर सिक्स पे आ रहा है पोप्लिटियर लेगामेंट. आर्क्विट पोप्लीटियल लेगामेंट ठीक है नंबर सेवन पोस्टीरियर क्रूशिएट लेगामेंट पोस्टीरियर क्रूशिएट लेगामेंट और नंबर एट मीडियल मेनिस्क मीडियल मेनिस्कस, ठीक है ये भी लेगामेंट कहलाता है मीडियल मेनिस्कस ठीक है ठीक है मीडियल क्रूशियट मीडियल मिनिस्कस मीडियल का आया है तो लाजमी है तो लेटरल भी आएगा ठीक है तो हम लिखेंगे लेटरल मिनिस्कस ठीक है लेटरल मिनिस्कस और यहां पर एक और लेगामेंट भी है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर क्रूशियट लेगामेंट इंटीरियर क्रूशियट लेगामेंट और नंबर अलेवन यानी टी है तो इसमें क्या होगा ट्रांसवर्स लेगामेंट ट्रांसवर्स लेगामेंट ये मतलब इसके लिगामेंट्स के नाम ये आपको सारे याद नहीं हो सकते हैं मैं भी समझ सकता हूं ठीक है आपने क्या करना है इन, इन पांच छह भी याद कर लें। अगर आपके पेपर में आता है तो आप लिख देते हैं तो इनफ। लेकिन फिर कहता हूँ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी तभी हम समझ पाएंगे कि यह क्या है अच्छा तो ये हो गया इसके लेगामेंट्स की बात अब लिगामेंट्स की बात हमने क्या कहा था कि लिगामेंट्स के बाद क्या है इसके बरसा या बुरसा की बात आ जाती है ठीक है तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ इसके बुरसाज की बात लेकिन इससे पहले समझते हैं कि बुरसा है क्या ठीक है थीके? आप ये समझ लें कि ये कोई भी आ, मतलब ये जॉइंट है ठीक है ये नीचे से एक और बोन आता है ये एक और बोन है मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ मसल्स इस तरह अटैच हैं ठीक है थीके? जिस मसल अटैच हैं लेकिन ये जो खाली एरिया बचता है ना यहाँ पर फ्लीड है ये फिलूड क्या करते हैं इसी को बुरसा बोलते हैं इस बुरसा के अंदर फ्लीड है वो फ्लीड क्या करते हैं फ्रिक्शन को बचाने के लिए काम आते हैं ठीक है मतलब यहाँ ग्लाइडिंग होती है ना कोई भी फ्रिक्शन वगैरह उसको रोकते हैं इसी का नाम बुरसा है अब बुरसा होते क्या है मतलब कौन कौन से होते हैं इस पर वो देखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फाइव है ठीक है पॉइंट नंबर फाइव की एडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे बुरसा या बरसा अब बरसा यहाँ पर जो होते हैं इसके इंटीरियर बुरसा भी हैं ठीक है मतलब इंटीरियर हैं लेटरल हैं मतलब जो जो हैं पोस्टीरियर मीडियल जो भी हैं उनकी बात करते हैं तो इसके जो बुरसाज हैं ठीक है इंटीरियर बुरसाज हैं इसके ठीक है ठीक हो गया अब इंटीरियर के भी नाम है लेटरल के भी नाम है मीडियल के भी नाम है लेकिन कुछ ज्यादा झंझट में नहीं जाना अगर आपको इतना पता है कि इंटीरियर लेटरल और मीडियल हैं तो आप थोड़ा सा अगर इंटीरियर के बारे में और लेटर के बारे में थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि कौन से बुरसाज कहां पर होते हैं अगर मैं इंटीरियर बुरसाज की बात करूं ठीक है तो इंटीरियर बुरसाज में कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख रहा हूं मैं इंटीरियर बुरसाज में इसके पास सब क्यूटीनियस ठीक है प्रीपेटेलर बुरसाज होते हैं सब क्यूटीनियस प्री पैटिलर बुरसाज ठीक है और इसमें क्या होता है और इसमें सब क्यूटीनियस इफ इंफ्रापेटेलर बुरसाज होते हैं सब क्यूटीनियस इन्फ्रा पेटेलर बुरसा ठीक है आप दो भी याद रखते हैं तो इनफ है और लेटरल बुरसा ठीक है लेटरल में आप याद रखेंगे कि बुरसा बिटवीन फेबुलर एंड को लेटरल लेगामेंट ऑफ बाइसेप फ्यूमरस ये भी आ सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं लेटल हैड ऑफ एक मसल है बस आप ये इतना कर लें ये भी नफ है कि बुरसा बिटवीन फेबुलर फेबुलर कोलेट्रल ठीक है फेबुलर को लेटरल लेगमेंट लेगमेंट ऑफ बाइसेप फ्यूमरस ठीक है और सेकंड आप ये कह सकते हैं कि बुरसा बिटवीन टेंडन ऑफ पोपलीटियल एंड लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर ये भी है ना ठीक है ये इसके पॉइंट हो गए अब इसकी बात आती है रिलेशन्स की रिलेशन मीडियल कुंडाल में कुछ नहीं आप ये भी रख लेते हैं तो इनफ है यहाँ पर सिर्फ आपने ये मैंशन करना है कि इंटीरियर होते हैं लेटरल होते हैं और मीडियल होते हैं ठीक है अब इसके रिलेशन्स की बात है तो रिलेशन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके रिलेशन्स ठीक है कि रिलेशन इसके कौन कौन से होते हैं रिलेशन्स रिलेशन्स में सबसे पहले इसके इंटीरियर रिलेशन होंगे ठीक है इंटीरियर रिलेशन्स इंटीरियर रिलेशन में क्या होगा इंटीरियर रिलेशन में लाजमी बात है इंटीरियर साइड पर है तो आप कहेंगे कि इसमें इंटीरियर साइड पे तो इंटीरियर बुरसाज होंगे इंटीरियर साइड में इंटीरियर बुरसा प्रेजेंट होता है ठीक है सेकेंड लम आप लिख सकते हैं कि लेगाेंट ऑफ पैटेला यानी कि पैटेला बोन भी हो सकता है पैटेला के लेगामेंट्स भी हो सकते हैं ठीक है लेगामेंट्स ऑफ पैटेला ये भी लिख सकते हैं आप या जस्ट आप पैटेला बोन लिख सकते हैं ठीक है ये इन हो जाता है ठीक है अब इसकी बात आती है पोस्टीरियर की कि पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या है क्या है ठीक है अब पोस्टीरियर रिलेशंस को इसने डिवाइड किया हुआ है एक इंटीरो मीडियल है एक पोस्टीरो uh, लैटरल है ठीक है इंटीरियर में आप एक जस्ट इतना भी लिख लेते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे जो है मतलब uh, कोई डीप uh, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये कह लें कि पोस्टीरियर साइड पे पोपलिटियल लाजमी बात है ना हम नी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या होगा popliteal vessels होंगे, फोसा होगा ठीक है पोपलेटियल मसल ठीक है gracilis muscle, gracilis muscle है और इसमें क्या क्या हो सकता है ठीक है इसमें हेमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं ठीक है मसल सेमी मेमोनियस सेमी टेंडोनियस जो भी ठीक है आप इनको ऐसे मेंशन कर सकते हैं उसके बाद यानी कि पोस्टीरियर हो गए अब मीडियल यानी कि मीडियल साइड पे इसमें क्या क्या है ठीक है मीडियल में इस पे होता है सार्टोरियस मसल ठीक है और ग्रेट सेफेनस वेन सार्टोरियस मसल और नंबर टू ग्रेट सेफेनस वेन ग्रेट फेनस वेन प्रेजेंट होता है ठीक है और लेटरली लेटरली क्या प्रेजेंट होता है ठीक है लेटरली इसमें होता है पोपलिटियल वेसल्स पोपलीटियल वेसल्स अब लाजमी बात है नी ज्वाइंट है उसकी लेटरली क्या प्रेजेंट होगी ये एक नी ज्वाइंट है ठीक है ये नी ज्वाइंट है उसकी मतलब साइड पे पोपलीटियल वेसल्स होंगे ना ठीक है इसके अलावा ये तो हो गए इसकी रिलेशन्स रिलेशन कम्प्लीट हो जाते हैं तो हमने क्या देखा कि इसके रिलेशन्स हो गए फिर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बच जाते हैं ठीक है तो इसकी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं अभी कि इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ से आता है ब्लड सप्लाई इसकी ब्लड सप्लाई बहुत आसान है आपको सिर्फ वही मेन चीज़ें याद रखनी हैं सबसे पहले क्या है पोप्लीटियल आर्टरी पोप्लेटियल पोपलीटियल आटरी नंबर वन नंबर टू आपको याद रखना है फीमोरल आर्टरी फीमोरल आर्टरी नंबर थ्री आपको याद रखना है लेट्रल सर्कम फ्लैक्स फीमोरल आर्टरी लेट्रल सर्कम फ्लैक्स फीमोरल आर्टरी नंबर फोर आप याद रख लें कि भाई पोस्ट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबी आर्टरी इंटीरियर प्लस पोस्टीरियर टीबीएल आर्ट्री ठीक है ये इसकी ब्लड सप्लाई होगी अब नर्व सप्लाई की बात की इसमें नर्व सप्लाई किस तरह होती है ठीक है नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई ठीक है इसकी नर्व सप्लाई जो है फीमोरल नर्व शिया नर्व और ऑब्जुट ऑब्जुरेटे नर्व तीन नर्व से होती है ठीक है पहला क्या है फीमोरल नर्व सेकेंड शिया नर्व नंबर थ्री ऑब्चूरेट नर्व ऑबरेट नर्व ठीक है ये सप्लाई करते हैं इसकी नर्व सप्लाई में ये बातें हो गई है ठीक है अब लास्ट नर्व सप्लाई की बात हमने क्या कहा कि क्या पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल और लास्ट में मुझे लिखना चाहिए था डायग्राम ठीक है इसकी डायग्राम तो यहाँ पर इसकी अभी डायग्राम की बात करते हैं फिर लास्ट में इसके क्लिनिकली बता देंगे के, क्या क्या है ठीक है अच्छा इसके डायग्राम जो है ना इसको देखते हैं कि डायग्राम इसका कैसे बनता है मैं तो जस्ट एक नॉर्मल आपको बता दूंगा फिर बाकी आप समझ जाएंगे डायग्राम्स की बनाने की कोशिश करता हूँ मैं ठीक है ये मैं कुंडल्स बना रहा हूँ ठीक हो गया ठीक हो गया ये फिमर का मतलब लॉन्ग हेड मतलब ये लोअर एंड हो गया ये मैं बना रहा हूं यहां पर अभी टिबिया और टिबिया के साइड में यहां पर क्या होता है फेमूला ठीक है सिर्फ हमने समझना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं अच्छा अब क्या होता है अब आप, आप सबको पता है कि यहाँ पर कोंडाइल्स हैं ठीक है यहाँ पर कोंडाइल्स हैं किसके टिबिया के अब पहले इसको लेबल करते हैं ठीक है ये क्या है ये फीमर है ये फेबुला है और ये क्या है टिबिया है ठीक है अब क्या होगा कि ये मीडियल ठीक है लेमिनिस्कस है और ये लेटरल लेमिनिस्कस है ये है मीडियल लेमिनस्कस और ये है लेटरल लेमिनस्कस इसको आप लेबल कर लेना ठीक है उसी हिसाब से लिख लेना मीडियल मतलब ये मीडियल साइड है लेटरल का मतलब ये लेटरल मतलब साइड है अब क्या होगा ठीक है यहां इसको एक मसल इस तरह अटैच है ठीक है एक मसल जो है इस तरह अटैच है ठीक है इस मसल को क्या बोलते हैं सॉरी मसल नहीं लिगामेंट है ये लिगामेंट इस तरह अटैच है ठीक है इस लिगामेंट को बोलते हैं टीबीएल कोलेटरल लिगामेंट टीबीएल कोलेटरल कोलेट्रल ठीक हो गया मीडियल टीबीएल कोलेटरल लिगामेंट ये कंप्लीट हो जाता है अब इसके बाद ठीक है इसके बाद यहां पर इस तरह कुछ लिगामेंट्स इसके अंदर जाते हैं ठीक है और कुछ लिगामेंट्स इसको इस तरह क्रॉस करते हैं ठीक है अब जो इसको क्रॉस करते हैं इनको हैं इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट, इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट, और जो ब्लू से बनाया है पेटेलर लिगामेंट है ये, ठीक है पेटेलर लिगामेंट ठीक हो गया अब यहां पर एक लिगामेंट और है इसको इस तरह कवर कर देता है ठीक है इसको बोलते हैं पॉप पेटेलर लेगामेंट सॉरी पेटेलर लेगामेंट तो यह था इसको बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ठीक हो गया अब क्या होता है कि यहां पर एक टेंडन आता है मसल का ठीक है इस तरह इसको कवर करते हुए इसके नीचे से आता है ठीक है इसको बोलते हैं क्वाड्रिप क्वाड्रिप्स सॉरी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं क्वाड्रिप्स टेंडन ठीक है क्वाड्रिसेप्ट मसल जो है उसका टेंडन है क्वाड्रिप्स टेंडन ठीक है ये आपको समझ आ गई अब यहां पर यह कंप्लीट हो जाता है ठीक है इस तरह मतलब इसके मेन मेन मोटी मोटी बातें ये हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है अब इसके ऊपर ये जो नी ज्वाइंट है इसके ऊपर यहां पर इस तरह का गोल कैप ठीक है होता है इसको क्या बोलते हैं आपने नाम पर मतलब अभी मुझसे पहले सो सो मतलब आपने समझ लिया कि क्या है ये है नी कैप या पटेला पटेला या फिर नी है ठीक है तो ये तो एक नॉर्मल डायग्राम है आप इसको मजीद ऐड कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको आ, मतलब बुक से नजर आती हैं या फिर कहीं और से इस तरह भी बना लेते हैं तो आपके लिए इनफ है ठीक है तो ये है हमारा क्या नी ज्वाइंट का एक छोटा मसा मतलब एक नॉर्मल डायग्राम कि डायग्राम जो है नी ज्वाइंट का ऐसे बन सकता है इसके अलावा ये क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करते हैं ठीक है इसमें क्लिनिकल पॉइंट्स पॉइंट्स में ये होता है कि इसके बुरस बुरस्टाइटस ठीक है मतलब सॉरी मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बुरसाज इसके बुर्सा, में जो भी इन्फ्लेमेशन होगा उसको बुर्साइटस, साइटस कहते हैं ठीक है सेकेंडली इसमें जो मिनिस्कस है ठीक है इसके मिनिस्कस वो डैमेज हो सकते हैं ठीक है वो डैमेज हो सकते हैं यहां पर क्या था इन्फ्लेमेशन था ठीक है और थर्ड में इसमें क्या होता है लिगामेंट की इंजरीज हो सकता है ठीक है लेगामेंट की इंजरी हो सकता है तो यहां पर कंप्लीट हो जाती है कि इस जो नी जॉइंट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं क्या क्या इसका काम है मतलब ये चीजें होती है लेकिन आपको भी पता चुनिए कि जो नी नीज की मूवमेंट्स है ना मूवमेंट्स तो यहाँ पर मैं, मैंने मैंशन नहीं किए लेकिन मूवमेंट्स आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख देता हूं ठीक है मूवमेंट्स कौन कौन से मूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें लाजमी बात है इसमें फ्लैक्शन और एक्सटेंशन ही होगा ना मूवमेंट और तो फ्लैक्शन होगा लेटरल और मीडियल मूवमेंट होगा फ्लैक्शन होगा ठीक है फ्लैक्शन एक्सटेंशन टरल मूवमेंट और इसमें क्या होगा मीडियल मूवमेंट सॉरी 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 यह बात कर रहा हूं मैं किसकी नी ज्वाइंट की यहां पर तो मैं आपको गलत बता रहा हूं लेकिन नी ज्वाइंट में क्या होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा क्योंकि नी ज्वाइंट इस तरह है ना ये तो फ्लेक्स तो करेगा या तो एक्सटेंड करेगा ठीक है एक्सटेंड करेगा या फ्लेक्शन करेगा ये लेटरल मूवमेंट तो नहीं कर सकता है ना तो यहां पर दो ही मूवमेंट आएंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ठीक है और इसके अलावा कोई इसमें और मूवमेंट नहीं है मुझे तो याद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप बुक चेक कर रहे नहीं है कोई और नहीं है बस ये दोनों है इसके अलावा ये नी ज्वाइंट है इसकी ओवरऑल के कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके और इसका एक डायग्राम कि कैसे इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं तो दिस इज़ होल अबाउट नी ज्वाइंट और इसका ओवरऑल uh, डिस्क्रिप्शन ये वीडियो जो है एक रिक्वेस्ट uh, से बनाया गया था एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है तो डॉक्टर ये वीडियो आपके लिए है होपफुली आपको इस बात की मतलब इस टॉपिक की समझ आ गई होगी तो फिर भी आ, समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो भी आपकी मतलब नीड है इसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं सो दिस इज़ होल अबाउट नी ज्वाइंट थैंक यू